हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थ्योरीज और एमसीक्यूज देखेंगे हम इस पूरी पूरे हंड्रेड क्वेश्चंस में एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं हमारे और कोर्सेज के बारे में और अगर आप पी कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीड कर सकते हैं आप चलिए लिटरेरी थ्योरी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट करते हैं पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मलिज्म फॉर्मलिज्म से कौन सा इनमें से एसोसिएटेड है विक्टर स्कॉल्वर्सकी क्लेनेस ब्रुक टेरी एगलटन जूडीथ बटलर सो योर राइट आंसर इज विक्टर स्कॉल्वर्सकी अकॉर्डिंग टू जेनेवा स्कूल वट इज द फंक्शन ऑफ रीडर जो जेनेवा स्कूल ऑफ क्रिटिक्स हैं उन्होंने फंक्शन ऑफ रीडर को फंक्शन ऑफ रीडर क्या बताया कि रीडर का जो फंक्शन है काम है वो क्या है एंटरिंग दाइंड थ्रू हेज और ह लिटरी वर्क अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स कॉन्शियसनेस और रिप्रोड्यूसिंग दॉट्स इन क्रिटिकल कॉन्टेक्स ऑल ऑफ द अब तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ऑल ऑफ द अब इसका मतलब ये है कि जेनोवा स्कूल ने ये सारी बातें कही उन्होंने कहा कि जो ऑथर्स के माइंड है उसमें हमें एंटर करना है उसके लिटरेरी वर्क्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग द ऑथर्स कॉन्शसनेस जो ऑथर का कॉन्शसनेस है उसे हमें समझना है एंड रिप्रोड्यूसिंग द ऑथर्स थाट्स इन क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट और जो ऑथर का जो थाट था उसे हमें क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से उसे रिप्रोड्यूस करना है उसे हम डिस्कस कर सकते हैं और करना चाहिए नेक्स्ट विद विच थियोरिस्ट इज फिनॉजी एसोसिएटेड यहां पर आपको पूछा गया है कि जो फिनोमोनोलॉजी है वो किससे एसोसिएटेड है इज और पॉल या ऑल ऑफ दी तो आपका जो आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दी अबब यहां पर आपका एक मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूं जियो जियो आप लोगों को पता होगा इंग्लिश में Uh, तो यहां पे आप फिनो फिनोमिनल फिनोमिनल जीव आपको इस तरह से याद रखना है फिनोमिनल जीव ओके okay? और इससे आपको ये याद भी हो जाएगा अगला देखते हैं वट डू कंटम्प्रेरी थियोरिस्ट फाइंड प्रॉब्लमेटिक अबाउट द लिटरेरी कैनन जो लिटरेरी कैनन है उसमें uh, कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक लगती है जो कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट है इट इंक्लूड्स टू फ्यू वर्क्स बाय नन वाइट राइटर्स इसमें बहुत कम जो राइटर्स नन वाइट राइटर्स है उन्होंने उनको इंक्लूड किया गया है जो लिटरेरी कैनन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम ठीक है लिटरेरी कैनन का मतलब ये होता है कि जो बेस्ट राइटर्स होते हैं उनको लिटरेरी कैनन में हम रखते हैं इट इंक्लूड्स टू फ्यू वर्क्स बाय वुमेन या बहुत कम जो वुमेन है उनको इंक्लूड किया हुआ है या इट इंक्लूड्स टू फ्यू वर्क्स बाय नन वेस्टर्न राइटर्स नन वेस्टर्न राइटर को बहुत कम रखा गया है ऑल ऑफ द अबब तो आपका जो आंसर है वो है सी तो जो कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट हैं उनको प्रॉब्लमेटिक क्या बात लगती है लिटरी कैनन के बारे में उनको लगता है कि जो नन वेस्टर्न राइटर्स हैं वो काफ़ी कम रखे गए हैं जो लिटरी कैनन है उसमें उ डज वर्जीनिया वुल्फ ऐसे आ रूम ऑफ वंस ओन कंट्रीब्यूट टू फेमिनिस्ट थोरी जो वर्जीनिया उनका ऐसे है फेमिनिस्ट थ्योरी में या इसने क्या कंट्रीब्यूट किया है फेमिनिस्ट थ्योरी में तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं इट सजेस्ट दैट देशन ऑफ वुमेन इज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल क्लाइमेट दैट विल नेचुरली फेड अवे क्या उन्होंने ये कहा कि वुमेन जो है उनको सप्रेस किया गया है हिस्टोरिकली और ये धीरे धीरे चला जाएगा इट सजेस्ट दैट जेंडर रूल्स आर कंडीशन बाय पोजिशन ऑफ मनी एंड पावर कि जो जेंडर रूल्स होते हैं वो पोजिशन ऑफ मनी और पावर पे डिपेंड करते हैं इट सजेस्ट दैट जेंडर हैज पावर ओवर क्लास और जेंडर को uh, ज़्यादा जा, एक पावर है क्लास uh, से ज़्यादा इट सजेस्ट दैट एजुकेशन रादर देन मनी इज नीडेड फॉर द लिबरेशन ऑफ वुमेन कि वुमेन की, की स्वतंत्रता के लिए पैसा ज़्यादा जरूरी है सॉरी एजुकेशन ज्यादा जरूरी है पैसे से तो आपका जो राइट right आंसर है वो बी है तो आपको ध्यान रखना है कि जो रूम ऑफ वंस ओन है वो आपको बताता है कि अगर हम बात करें जेंडर रोल्स की तो जेंडर रोल्स, तो जेंडर रोल्स किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं मनी और पावर पे अगर कोई गर्ल है तो उसको अगर उसके पास ज्यादा पैसा है ठीक है उसके पास ज्यादा पावर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है लड़का है जो डोमिनेट करेगा वो गर्ल ही होगी नाउ नेक्स्ट वन इन वट वे जूलिया क्रिस्टिवा ऑन क्रिस्टिवास थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट तो यहाँ पर एक आप लोगों को दो क्वेश्चन हो जाएंगे तो जेक्स लाकन लाकन की जो थ्योरी है वो है साइको सेक्सुअल एक क्वेश्चन आपका ये भी आप लोगों को साथ साथ में याद हो जाएगा कि साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी जेक्स लाकन राइट तो आप सिंपली इसे शॉर्टकट फनी वे में इस तरह से याद रख सकें जो जो जैक्स लाकन है वो साइको सेक्सुअल है सो जूलिया right. so, Christi, ने इस बारे में क्या कहा जो लाकन थ्योरी क्रिस्टिवाइको सेक्सुअल डिवेलपमेंट क्या उन्होंने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया था क्रिस्टिवा सेंट्रलाइजेस मैटर एंड द फेमिनाइन इन रिविजन ऑफ लाकन थ्योरी

का क्या मतलब है जब वो कहती हैं कि जेंडर इज परफॉर्म्ड जो जेंडर है वो परफॉर्म किया गया है जेंडर डज नॉट रिफ्लेक्ट आर एसेंशियल ट्रूथ बट राधा इज आ रोल रोल पीपल प्ले बेस्ड ऑन देशन ऑफ सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स जेंडर रोल्स डू नॉट एग्जिस्ट या उन्होंने कहा कि जेंडर रोल एग्जिस्ट ही नहीं करते एंड रियल जेंडर रोल्स आर स्क्रिप्टेड बाय एक्सलेंट राइटर्स

फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंगेजेसर हैूलिया क्रिस्टिवा साइको अनैलिटिक थ्योरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्यूडियन कॉन्सेप्ट जो साइको साइको अनालिटिक जो, psycho, जो थ्योरी है तो आप यहां पर फिर से आप लोगों के पास में आ, जूलियास क्रिस्टिवास साइको एनालिटिक थ्योरी आप याद रख सकते हैं ये इनसे जुड़ी हुई है जो ट्रेडिशनल फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट है उससे कैसे उनका डिफरेंट है क्रिस्टिवा रिजेक्ट्स द आइडिया दैट ना न्यूरो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द अनकॉन्शियस क्रिस्टिवा सजेस्ट दैट द दैट वुमेन आर नॉट सब्जेक्ट टू ट्रेडिशनल एंड फैटिशियवा ऑफर्स अ मोर सेंट्रल प्लेस फॉर वुमेन्स इश्यू विद इन साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट

Uh, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है कि रीडर रिस्पांस थ्योरी इज फोकस्ड ऑन कंसीडरिंग ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे रीडर रिस्पांस थ्योरी किस पर किस चीज पर फोकस करती है हाउ रीडर लर्न टू रीड रीडर कैसे पढ़ना सीखता है हाउ रीडर्स इमेज इन विजुअल इमेजेस इन आ टेक्स्ट कैसे वो विजुअल इमेजेस को टेक्स्ट में देखता है हाउ रीडर्स पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट एंड हाउ रीडर्स रिगार्ड क्रिटिक्स तो आपका जो राइट right आंसर है वो है थर्ड जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग रीडर कैसे पार्टिसिपेट करता है जो टेक्स्ट है उसके मीनिंग को फॉर्म करने में मीन्स जब एक रीडर किसी चीज को पढ़ता है तो कैसे उसका जो मीनिंग है वो अपने अकॉर्डिंग बना पाता है नेक्स्ट विच थियोरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट आर्ट इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना आर्ट ऑफ आर्ट इज अ कॉपी ऑफ कॉफी ये जो सेंटेंस है ये आप समझ लीजिए कि ये जो लिटरेरी थ्योरी है यहाँ से ही शुरू हुई थी जब ये बात कही गई थी इसी बात के बाद में जैसे स्टीफन गॉसन्स हो गया और उसके बाद में सिडनी हो गए स्पेंसर सिडनी हो गए तो ये सारी जो लाइन बनती है या हम कहें कि एक जो क्रोनोलॉजी बनती है वो इसी लाइन की वजह से बनी थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसने कहा था आर्ट इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ओके सो प्लेटो क्लॉडियस क्लॉडी लेविस स्ट्रॉस और जूलिया क्रिस्टिवा या वॉल्टर बेंजामिन तो आपका जो राइट right आंसर है वो है प्लेटो यहां से शुरुआत हुई थी आपकी लिटरेरी थ्योरी या क्रिटिसिज्म की यहाँ से क्रिटिसिज्म को स्टार्टिंग मान सकते हो आप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स मिकेल भक्तेन्स फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज जो मिकेल भक्तेन है उन्होंने अपना एक फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज दिया था ओके okay, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं लैंग्वेज इंक्लूड्स मल्टीपल सोशल डायलेक्ट्स एंड जागन्स जो लैंग्वेज है उसके पास मल्टीपल सोशल डायलेक्ट्स और जागन्स यूज होते हैं लैंग्वेज कैन इंक्लूड सोशियो आइडियोलॉजिकल सोशियो आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम पास्ट या लैंग्वेज एक्सबिट्स एंड एंड इज बाउंड अप इन दोशल लाइफ एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट ऑफ द पीपल हु स्पीक इट

History as an imitation of events, a theory that regards history as a series of narratives, a theory that capitalizes on the interplay between literature and history, all of the above. So आपका जो right answer है वो है all of the above. New historicism. इस PPT से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको सारे जो theories हैं वो आपकी cover हो जाती हैं. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द द द फॉलोइंग टेक्स्ट इज बेस्ट ऑफ दर्ग्यूमेंट दैट वर्क्स मीनिंग डज नॉट कम फ्रॉम द इमेजिन इमेजिनेशन ऑफ ऑथर तो यहाँ पे आपको वो बोला गया है कि कौन सा फॉलोइंग टेक्स्ट है जो कहता है कि उस आर्ग्यूमेंट को दिखाता है कि जहां कहा जाता है कि एक जो वर्क है उसका मीनिंग डज नॉट इंटायरली कम फ्रॉम द इमेजिनेशन ऑफ ऑथर जो वर्क है उसका जो पूरा टोटल मीनिंग होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑथर के लिखने से नहीं आता मीन्स उसमें रीडर और और सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं तो देखते हैं प्लेटोज द रिपब्लिक टी एस एलियर एंड इंडिविजुअल टैलेंट जैक्स डेरिडाज ऑफ ग्रामेटोलॉजी रोल एंड बार्स ऑफ़ ऑथर तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आप एग्जेक्टली exactly इसको इस तरह से अगर इसको अपोजिट कर लेंगे इस क्वेश्चन को इसके साथ में तो आपको ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट होल्ड अबाउट लिटरेटैक्स जो साइको एनालिटिक्रिटिसिज्म है, है वो लिटरेटैक्स के बारे में क्या फंडामेंटल आइडिया उसका है लिटरेटैक्स शुड नॉट बी रेड एज should not be read as projection of the author's psyche uh, literary text वो वो author's psyche expression literary text solely reflects an author's intention, literary, text total author intention literary texts are unlike dreams because they have a system of order and produce meaning

वो कहती है कि जो एक अवसर है उसका जो साइकोलॉजी है ओके okay? सबकॉन्शियस उसका अनकॉन्शियस है उसके अंदर जो माइंड में है उसका एक्सप्रेशन ही एक बुक है यही आपकी साइको एनालिटिक क्रिटिसिजम है नेक्स्ट है व्हाट इज मिमेसिस ये जो मिमेसिस वर्ड है ये बहुत आप कह सकते हैं बहुत पुराना है आ, तो मिमेसिस का मतलब है क्या रिवर्सल है आ, इमिटेशन है सटायर है या पॉलिटिक मेटाफर है तो मिमेसिस का सिंपली मीनिंग था इमिटेशन और इमिटेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉफी ठीक है इसको कहा गया था तो उसी उसी संदर्भ में हम कह सकते हैं उसी रिलेशन में मिमेसिस वर्ड यूज हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो लिटरेरी थ्योरी है उस पर जो कंप्लीट कोर्स है वो बनने वाला है अगर आप लोग इंटरेस्टेड uh, हैं इसमें तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं आप जुड़ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप से और इन अ फ्यू डेज़ ओनली फाइव टू टेन डेज लगेंगे उसे कंप्लीट होने में क्योंकि लास्ट फिनिशिंग उसमें बाकी रह गई है तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ विच स्कूल ऑफ थियोरिस्ट इज़ मोस्ट क्लोजली असोसिएटेड विद फिनोमिनलॉजी जो थियोरिस्ट हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड हैं फिनोमोनोलॉजी से तो कौन वो हैं जो फिनमोलॉजी से एसोसिएटेड हैं स्कूल शिकागो स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल और जेनेवा स्कूल तो आपका जो आंसर है वो है जेनेवा स्कूल ये फिनोमिनलॉजी से जुड़े हुए हैं मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट भी बताया था फिनोमिनल जीव होपफुली कि आपने इसे नोट कर लिया होगा जियो फिनोमिनल जियो अभी ये क्वेश्चन हम दोबारा से देखेंगे उसमें देखते हैं कि कितने याद हो गए हैं ट्रॉमा थ्योरी प्राइमरली डिवेलप्ड आउट ऑफ वर्क ऑफ विच साइकोलो एनालिसिस्ट जो ट्रॉमा थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है <coughs> सिगमन फ्राइड कारजोंग माइकल फोकल्ट जेक्स डेल्टा तो ये है आपका सिगमन फ्राइड विच ऑफ़ द फॉलोइंग रूल ऑफ सीमियाटिक्स तो यहाँ पे आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीमियाटिक्स तो ऑल ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व सोलली आउट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल विद इन अ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल एरा या ऑल लिंग्विस्टिक्स एंड सोशल फिनमिना आर टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग दिस टेक्स इज टू रिवील दंडरलाइंग मेक दैम मीनिंगफुल या ऑल लिंग्विस्टिक्स इज इन सेम वे रिलेटेड टू क्लास स्ट्रगल ऑल लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स रिलाइज एक्सक्लूसिवली ऑन हिस्टोरिकल टेक्स्ट तो आपका जो से है वो है ऑल लिंग्विस्टिक्स एंड सोशल फिनोमिना आर टेक्स्ट ओके एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग दिस टेक्स्ट इज टू रिवील एंड अंडरलाइंग कोड दैट मेक देम मीनिंगफुल तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑल लिंग्विस्टिक और सोशल फिनोमिना है वो सब क्या हैं टेक्स से रिलेटेड हैं और ऑब्जेक्ट जो स्टडिंग दिस टेक्स्ट हम उन टेक्स्ट को क्यों स्टडी करते हैं तो इसलिए स्टडी करते हैं कि वहाँ जो कोड्स हैं उनको मीनिंगफुल हम बना पाएं व्हाट डज द टर्म मेटा लैंग्वेज मीन्स अकॉर्डिंग टू एंड्रजेस वामनिस्की जो वामनिस्की हैं उनके अकॉर्डिंग जो मेटा लैंग्वेज है तो आप ये एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि जो एंड्रेस आपके वम निस्की हैं वो मेटा लैंग्वेज से रिलेटेड हैं उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में अ लैंग्वेज अबाउट अनदर लैंग्वेज अ सुपर अपर लैंग्वेज अ लैंग्वेज दैट डज नॉट येट कंस्टिट्यूट अ रियल लैंग्वेज अ लैंग्वेज यूज बाय अ पर्टिकुलर मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर डोमिनेंट कल्चर सो योर आंसर इज ए अ लैंग्वेज अबाउट अनदर लैंग्वेज अ लैंग्वेज अबाउट A language about another language that is meta language by Wamneski. What is Christopher Ricketts attitude towards the literary theory? Jo Christopher Ricketts the Unka Joe Unka Jo attitude ha literary theory ke Li He considers it to be vital in order to understand literary text. He considers थ्योरी टू बी दी ओनली वे दैट लिटरी टेक्स्ट कैन बी इंटरप्रेटेड और ही हैज़ नो मिस गिविंग अबाउट दी प्रैक्टिकल यूजबिलिटी ऑफ लिट्रेरी थ्योरी ही फील्स दैट लिट्रेरी थ्योरी इज़ अल्टीमेटली टू लिमिटेड इन स्कोप टू सर्व एज अ प्रॉपर मैथड ऑफ इंटरप्रिटेशन तो उन्हें लगता है कि लिट्रेरी थ्योरी जो है वो अल्टीमेटली टू लिमिटेड इन स्कोप टू सर्व अ प्रॉपर मैथड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो लिटरी थ्योरी होती है वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए लिमिटेड है और जैसा कि आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि जैसे लिटरेरी थ्योरीज हैं तो पहले जो थ्योरीज होती हैं वो स्टेप बाय पहले फर्स्ट थ्योरी मिलती है फिर थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से हमारी जो थ्योरीज हैं वो बढ़ती जाती हैं तो क्राइस्टोफर रिकेट्स का जो एटीट्यूड है कि लिटरेरी थ्योरी क्या नहीं होती कभी भी किसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए या उसका मीनिंग बताने के लिए कंप्लीट नहीं होती है वर्ड डज गायनो क्रिटिसिजम रिकमेंड एज एज एन अप्रोच टू लिटरेचर तो गायनो क्रिटिसिज़म से आपको पता होगा एल एंडल्ट नेम उससे रिलेटेड है तो देखते हैं इसमें एग्जामिन ओनली फीमेल ऑसर्ड लिटरेचर मोर क्रिटिकली कंसिडर वुमेन्स लिटरेचर आउटसाइड ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट स्टडिंग वुमेन्स लिटरेचर फॉर इट्स लिंग्विस्टिक क्वालिटी ऑनली बिकमिंग मोर फेमलियर विद द हिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड वुमेन राइटिंग तो जो आपकी गायनोक्रिटिसिज्म है ये टर्म आप इसे नोट कर सकते हैं बिकमिंग मोर फेमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स राइटिंग नेक्स्ट इज इन एस एस ऑफ दॉल इन बार्थ तो रोल इन बार्थ का जो वर्क है ऑथर हाग्यूज वट अबाउट लिटरेचर वो क्या किस चीज के बारे में बात करते हैं Biological information about the author must be considered when evaluating literature. A text and its author text are unrelated. It is possible to distill meaning from a work based on the author's politics. Or authorial intent must be considered when evaluating literature. So, your right answer is a text and its author text are unrelated. तो डेथ ऑफ बार्थ हैं वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट है और उसका जो ऑथर है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होती है ओके नाउ बट जैसे साइको एनालिटिक uh, हम कहें जो थ्योरी होती है उसमें ये कहा जाता है कि अनकॉन्शियस unconscious जो अनकॉन्शियसली राइटर जो सोच रहा है उससे रिलेटेड होता है ओके okay? जो रीडर रिस्पांस थ्योरी होती है उसमें सिंपली ये कहा जाता है कि जो रीडर है वो कैसे फॉर्म करेगा मीनिंग को वो इम्पॉर्टेंट होता है टू वट आइडिया डज दी एंशंट ग्रीक टर्म अपोरिया पौरिया इन टर्म्स ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन थ्योरी जो अपोरिया है वो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में क्या बताता है द एबिलिटी ऑफ अ टेक्स्ट टू कंटेन कंटेंट्रूस द अनडिसाइडेबिलिटी एंड इसेंशियली अनस्टेबल नेचर ऑफ अ टेक्स्ट द आइडिया दैट अ टेक्स्ट हैज स्पेसिफिक मीनिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन जेक्स डेरिजाज स्टाइल ऑफ राइटिंग तो यहाँ पे आपका आंसर है वो है बी द अनडिसाइडेबिलिटी एंड इसेंशली अनस्टेबल नेचर ऑफ अ टेक्स्ट जो एक टेक्स्ट होता है उसका हमेशा जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिसाइड uh, नहीं होता उसके लिए आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं एक ये मैंने आपका यहाँ पे एक लाइन बना दिया ओके okay? लाइन बनाया है तो इस लाइन को अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये आपका आपको लगेगा कि ये लाइन है लेकिन अगर इसको मैं एक उसमें रख देता हूँ एक फ्लैग में रख देता हूँ तो ये किसी देश का क्या हो सकता है जो ये लाइन है ये लाइन सिंबल हो सकता है किसी देश का तो इसी तरह से अगर मैंने कहीं पे लाइन वर्ड लिखा है तो इसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं है ये हो सकता है कि इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा हो जैसे कि मैंने कहा कि हिज uh, लायन तो इसका मतलब कि वो बहुत ब्रेव हो सकता है तो जो लायन uh, वर्ड है इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है मीनिंग राइट होपफुली कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ समझ में आया होगा नेक्स्ट लेट्स गो टू नेक्स्ट वन सम क्रिटिक्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी आर्ग्यू दैट लिटरेरी थ्योरी इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर विच रीज़न कुछ जो लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं वो सोचते हैं कि लिटरेरी थ्योरी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है क्यों प्रॉब्लमेटिक है लिटरेरी थ्योरी डज नॉट ऑफर अ होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स जो लिटरेरी कोई भी लिटरेरी थ्योरी है वो पूरा कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स नहीं दे पाती और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती लिटरेरी थ्योरी डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज दैट इज आउटसाइड द रियल ऑफ लिटरेरी स्टडी जो लिटरेरी थ्योरी है वो आउटसाइड रियलम ऑफ लिटरेरी स्टडीज पर डिपेंड करती है और लिटरेरी थ्योरी इज़ समाइम्स वेरी एबस्ट्रिक्ट एंड डिफ़िकल्ट टू रीड और जो लिटरेरी थ्योरी है वो कभी कभी बहुत एबस्ट्रिक्ट हो जाती है और इसे डिफ़िकल्ट होती है उसको पढ़ना या उसको जानना इसीलिए जो लिटरेरी थ्योरी जो सेक्शन है वो ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते ओके हमारे जो एग्जाम है यू जी नेट है उसमें भी या ऑल ऑफ दि अबव तो आपका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव ये सारी बातें लिटरेरी थ्योरी जो है वो प्रॉब्लमेटिक मानते हैं कुछ लोग तो यहाँ पे मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था अब ये थोड़ा सा रिविजन सेशन चलाएंगे फिर कुछ नए क्वेश्चन लेंगे ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज एसोसिएटेड टू फॉर्मलिज्म यहाँ पे जो है वो फॉर्मलिज्म से रिलेटेड कौन है विक्टर स्कॉल्वस्टी क्लेनिथ ब्रुक टेरी एगल्टन इगल, या जूडिथ बटलर तो आपका जो राइट आंसर था वो था विक्टर स्कॉल्वर्सकी ये आपका रिविजन सेशन है आप इसे फटाफट देख लीजिए अकॉर्डिंग टू जेनेवा स्कूल वट इज़ द फंक्शन ऑफ रीडर जो जेन्यूल स्कूल था उसका अकॉर्डिंग टू दैट कि उसका फंक्शन क्या था तो आपका इसमें है आपका ऑल ऑफ द अबवी है इसमें ऑथर के माइंड में हमें एंटर करना होता है और जो ऑथर का कॉन्शियसनेस है उसे समझना है और जो ऑथर का जो थॉट है उसको रिप्रोड्यूस भी करना है उसको दोबारा से हम क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उसे रिप्रोड्यूस करना हमारा काम है नेक्स्ट विच ॉजी एसोसिएटेड मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्टकट आपको बताया था कि जो फिनोमोनोलॉजी है उसके लिए शॉर्टकट मैंने बताया था आप लोगों को फिनोमिनल जिये फिनोमिनल जियो तो ज्यू में आपके जीन पॉल सा और वुल्फ गैंग इसलिए तीनों आ जाते हैं तो ये आपका है ऑल ऑफ दब नेक्स्ट जो है वट डू मेनी कंटेपरिरी थियोरिस्ट फाइंड प्रॉब्लमेटिक अबाउट द लिटरे कैन एन जो लिटरेरी कैनन था मैंने आप लोगों को बताया था कि लिटरेरी कैनन क्या होता है जो बेस्ट वर्क्स होते हैं जो बेस्ट राइटर्स होते हैं उनको हम अगर एक साथ रख दें तो उसे हम लिटरेरी कैनन बोलते हैं अब उसमें जो प्रॉब्लमेटिक लोग मानते हैं आज की डेट में जो अभी थियोरिस्ट की बात करें तो उनका कहना है कि जो आपने ऑप्शन देख लिए हो गए तो आपका जो है वो सी है कि उन्होंने कहा कि जो नन वेस्टर्न राइटर हैं वो लिटरेरी कैनन में अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर में देखें तो उसमें नन वेस्टर्न राइटर्स बहुत कम रखे गए हैं हाउ वुल्फ्स ऐसे जो अ रूम ऑफ वंस ओन था उसने क्या कंट्रीब्यूट किया या उसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है तो आप लोगों का जो आंसर था वो था बी इट्स दैट जेंडर रोल जो है वो मनी और पावर पर डिपेंड uh, करते हैं कंडीशन करते हैं ओके okay, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा जेंडर पर इतना डिपेंड नहीं करेगा बल्कि मनी और पावर पर डिपेंड करेगा जेंडर रोल नेक्स्ट पर आ जाते हैं

वो डज बटलर वैन शी सजेस्टेड द जेंडर इज परफॉर्म्ड जब जेंडर इज परफॉर्म्ड की बात आती है तो जूडि uh, बटलर का क्या मतलब होता है तो यहाँ पर उनका आंसर था या इसका जो आंसर है वो है जेंडर डज नॉट रिफ्लेक्ट एन इसेंशियल ट्रूथ बट राधा इज अ रोल पीपल प्ले बेस्ड ऑन दिया इंटरनालाइजेशन ऑफ सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल तो जेंडर रोल जो है वो कोई इसेंशियल ट्रुथ्स नहीं है बल्कि जो हमारे जो रोल्स हैं वो हमें सोसाइटी देती है अकॉर्डिंग टू जैक्स लाकन द मिरर स्टेज इज पॉइंट एट विच चाइल्ड जो जैक्स लाकन थे उन्होंने मिरर स्टेज की एक थ्योरी दी तो उनके अकॉर्डिंग जो मिरर स्टेज है स्टेज है वो क्या है वो कब होती है तो उन्होंने कहा कि इज एबल टू सेपरेट आई फ्रॉम अदर जब वो खुद को अलग कर पाता है औरों से, जब उसको ये बात समझ में आ जाती है हाउ डज जूलिया क्रिस्टीवा क्रिस्टिवा साइको अनालिटिक थियोरीज डिस्टिंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट जो जूलियाना क्रिस्टीवा थी जूलिया सॉरी जूलिया क्रिस्टीवा थी उनका जो साइको अनालिटिक जो थ्योरी है वो फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है तो आपका जो आंसर था वो है क्रिस्टीवा ऑफर्स अ मोर सेंट्रल प्लेस फॉर वुमेंस इश्यू विद इन साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट उसने जो ऑफर किया वो मोर सेंट्रल प्लेस फॉर वुमेन किया था कि उन्होंने वुमेन को और सेंट्रल प्लेस में लाने की कोशिश की थी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीडर रिस्पांस थ्योरी इज़ फोकस्ड ऑन कंसीडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जो रीडर रिस्पांस थ्योरी है उसने आ, उसका क्या मतलब था या उसमें क्या कहा गया है तो उसमें सिंपली ये कहा गया है कि जो रीडर है वो न, कैसे पार्टिसिपेट करेगा किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे एक बुक है आपकी ये बुक मैंने पढ़ी ये बुक आपने पढ़ी और ये हमारे किसी तीसरे दोस्त ने पढ़ी तो तीनों जो रीडर थे उन्होंने अपने अपने क्या किए इसमें अपने अपने थॉट्स दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आ, हम इसको स्टडी करें कि इन तीनों के इन तीनों ने जो सेम बुक पढ़ी थी इसमें उन्होंने अपने अपने कौन से आइडिया दिए थे तो हम क्या कर रहे हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं ये हमारा तरीका रीडर रिस्पांस थ्योरी का है विच थ्योरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट आर्ट इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मिमेसिस वर्ड अभी आएगा आपका आगे तो एक जो आर्ट होती है वो कॉपी ऑफ कॉपी होती है वो कहा था आपका प्लेटो ने नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स मिखाइल बख्तिनस फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज जो ये नीचे दिया गया स्टेटमेंट है इसमें मिकल बख्तिन का जो फिलासफी थी उसको बेस्ट कौन सी आ, कौन इंटरप्रेट करता है या एक्सप्लेन करता है तो आपका जो आंसर है वो है सी जो लैंग्वेज है वो क्या एग्जिबिट करती है लैंग्वेज एग्जिबिट एंड बिज बाउंड अप इन दी सोशल लाइफ एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट ऑफ पीपल हु स्पीक इट जो लैंग्वेज है वो क्या है Uh, किस चीज़ पर डिपेंड करती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है लाइफ्स पे डिपेंड करती है कि कैसे वो लोग रहे हैं तो इस चीज़ पे पूरा जो लैंग्वेज है वो डिवेलप होती है वॉट इज़ न्यू हिस्टोरिसिज्म जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ये कॉन्सेप्ट क्या है जो ये थ्योरी है इसका क्या मतलब है तो इसमें आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव आप देख सकते हैं कि जो अ थ्योरी दैट एवेंडेंस द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एज एन इमिटेशन ऑफ इवेंट्स जो आइडिया ऑफ हिस्ट्री है वो क्या है सिंपली इमिटेशन ऑफ इवेंट्स है अ थ्योरी दैट रिगार्ड्स हिस्ट्री एज अ सीरीज ऑफ नैरेटिव और जो हिस्ट्री है वो क्या है सीरीज ऑफ नैरेटिव है अ थ्योरी दैट कैपिटलाइज ऑन द इंटरप्ले बिटवीन लिटरेचर एंड हिस्ट्री और यहाँ पे क्या है कि जो इंटरप्ले है हिस्ट्री और लिटरेचर के बीच में उसको दिखाती है नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ग्यूमेंट

आइडियाज डज साइको अनालिटिक क्रिटिसिज्म होल्ड अबाउट लिटरे टेक्स्ट जो साइको अनालिटिक होते हैं क्रिटिसिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो लिटरे टेक्स्ट हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है तो उसका क्या कहना है उसका क्या फंडामेंटल आइडिया है वो है लिटरे टेक्स्ट रिवील सीक्रेट एलिमेंट ऑफ एन ऑथर्स अनकॉन्शियस तो साइको अनालिटिक जो क्रिटिसिजम है उसमें जो ऑथर के ब्रेन में क्या चल रहा है उसको हम स्टडी करते हैं वट इज मिमेसिस मिमेसिस क्या है अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मिमेसिस इज एन इमिटेशन और ये जो था वो था कि आर्ट इज अ कॉपी ऑफ कॉपी वट स्कूल ऑफ सियोरिस्ट मोस्ट क्लोजली टू असोसिएटेड विथ फिन फिनोमोनोलॉजी जो फिनोमोनोलॉजी थे वो उससे असोसिएटेड कौन थे उससे जुड़े हुए लोग कौन थे तो वो थे आपके जेनुआ स्कूल और उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था जियो तो शायद अब तो आपको काफी बार मैंने बता दिया है याद हो गया होगा ट्रॉमा थ्योरी प्राइमरली डिवेलप्ड पुट डिवेलप्ड आउट ऑफ द वर्क ऑफ विच एनालिस्ट जो साइको एनालिस्ट है वो ट्रॉमा थ्योरी किसने दी थी इसमें ये काफी फेमस है वो है आपके सिगमन फ्राइड तो सिगमन फ्राइड एक साइको एनालिस्ट थे और उन्होंने ट्रॉमा थ्योरी दी थी ओके नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूल ऑफ सीमियाटिक्स जो सीमियाटिक्स है उसमें उसका जो रूल है वो क्या है तो वो है आपका बी ऑल लिंग्विस्टिक एंड सोशल फिनोमिना आर टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग दिस टेक्स्ट इज टू रिवील द दंडरलाइंग कोड्स दैट मेक्स दैम मीनिंगफुल तो हमारा जो काम है सीमियाटिक्स uh, के अंदर वो ये है कि जो एक्चुअली uh, जो सीमियाटिक्स है इसको साइंस ऑफ मीनिंग कहा जाता है साइंस ऑफ मीनिंग राइट साइंस ऑफ मीनिंग तो इसलिए इसको सीमेंटिक्स या सीमियाटिक्स भी कहा जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो कोड्स हैं जो आ, जो मीनिंग है किसी भी लैंग्वेज में उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको हम स्टडी करते हैं सीमियाटिक्स में वर्ड डज द टर्म मैटा लैंग्वेज मीन जो मैटा लैंग्वेज है वो क्या मतलब था किसने ये जो टर्म था ये दिया था आ, तो ये टर्म दिया था आपका एंड्रिजी एंड्रज एंड्रेज विस की और इसका जो मतलब था वो था अ लैंग्वेज अबाउट अनदर लैंग्वेज व्हाट इज दी क्रिस्टोफो रिक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लिटरेरी थ्योरी जो क्रिस्टोफो रिक्स थे उनका एटीट्यूड जो था लिटरेरी थ्योरी पर क्या था तो आपका जो आंसर है वो है आपका डी ही फील्स ही फील्स दैट लिटरेरी थ्योरी इज अल्टीमेटली लिमिटेड टू स्कोप टू सर्व अ प्रॉपर मैथड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो लिटरेरी थ्योरी है उसको अल्टीमेटली क्या करना है प्रॉपर मैथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ढूंढना है राइट सो लिटरेरी थ्योरी का मतलब ही ये है कि हम क्या करेंगे जो प्रॉपर मैथड ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसको ढूंढेंगे वर्ड ड गायनोक्रिटिसिज्म एन अप्रोच टू लिटरेचर जो गायनोक्रिटिसिज्म है उसका जो मेन अप्रोच है वो क्या है तो आपका जो राइट right आंसर है वो है डी बिकमिंग मोर फेमेलिया विद द थ्योरी ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स राइटिंग जो गायनोक्रिटिसिज्म है उसका मतलब है कि आप हिस्ट्री ऑफ वुमेन और वुमेन राइटिंग को स्टडी करेंगे या उससे आप रिलेटेड हैं इन हिज द द डेथ ऑफ ऑथर आर्ग्यूज हैंट अबाउट लिटरेचर जो डेथ ऑफ ऑथर है उसमें रोल एन बाज क्या बताते हैं तो आपका जो आंसर है अ टेक्स्ट इज इट्स ऑथर ऑथर टेक्स्ट आर रिलेटेड तो आ, जो टेक्स्ट है अगर कोई बुक लिखी है तो उसका उसके राइटर से कुछ लेना देना नहीं होता है दोनों के दोनों हैं। ये कहता है डेथ ऑफ ऑथर। नेक्स्ट है टू व्हाट आइडिया डज द एंशन ग्रीक टर्म अपोरिया रेफर इन टर्म ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन थ्योरी जो डिकन्स्ट्रक्शन थ्योरी है उसमें जो अपोरिया है वो आ, क्या है उसका मतलब क्या है तो उसका मतलब आपका है बी दी अनडिसाइडेबिलिटी एंड इसेंशलिटी अनस्टेबल नेचर ऑफ अर टेक्स्ट की जो अपौरिया है उसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है कोई टेक्स्ट है कोई बुक है उसमें टेक्स्ट है तो उसका जो नेचर है वो अनस्टेबल है उसका मीनिंग कुछ भी निकल सकता है अगर मैं पढूंगा तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है कोई दूसरा पढ़े तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है सम क्रिटिक्स ऑफ लिटरे थ्योरी आर्ग्यू दैट सम क्रिटिक्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी आग्यू दैट लिटरेजी थ्योरी इज प्रॉब्लमैटिक फॉर विच रीजन जो सम कुछ क्रिटिक ये मानते हैं कि लिटरेरी थ्योरी जो है वो प्रॉब्लमैटिक है क्यों उसके अंदर क्या है ऐसी चीज क्या है जो प्रॉब्लमैटिक है और ये बात सभी को लगती है कि प्रॉब्लमैटिक है लिटरेसी थ्योरी लिटरेजी थियोरी डज नॉट ऑफर हॉलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स जो कोई भी लिटरेजी थ्योरी है वो कोई भी कम्प्लीट हॉलिस्टिक मतलब कम्प्लीट इंटरप्रटेशन ऑफ टेक्स नहीं दे पाती लिटरे थ्योरी डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइज नॉलेज दैट इज़ आउटसाइड द रियर्म ऑफ रे स्टडी अब जो लिटरी थ्योरी है वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जो कि लिट्रेरी स्टडीज से डिफरेंट होता है और लिटरी थ्योरी इज़ समाइम्स वेरी एबस्ट्रिक्ट जो लिटरेरी थ्योरी होती है वो काफ़ी एबस्ट्रिक्ट हो जाती है एबस्ट्रिक्ट मीन्स जैसे हम ठीक से देख नहीं पाते ओके एंड डिफिकल्ट टू रीड और ये काफ़ी मुश्किल होती है पढ़ना सो दिस एज द प्रॉब्लमेटिक थिंग अबाउट थ्योरी एंड विच ऑफ दसोशिएटेड ओके विदलिज्म से रिलेटेड है अभी हमने देखा था ये तीसरी बार हम इसको देख रहे हैं अब हम कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करते हैं इन फ्रेडरिक जेम्स बुक द पोलिटिकल अनकॉन्शियस वट डज जेमसन सजेस्ट अबाउट लिटरेचर तो जो जेम्सन है उनका एक बुक uh, है द पोलिटिकल अनकॉन्शियस वो जेमसन उसमें क्या सजेस्ट करते हैं History comprises the essential framework for the performance of literary analysis. Political and economy are most important factor of literary analysis. Political, uh, see biography is essential to literary analysis, or psychoanalysis is critical to literary analysis. So, your answer is history comprises the essential framework to the performance. फॉर दी परफॉर्मेंस ऑफ लिटरे एनालिसिस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ लिटरे थ्योरी वॉज मोस्ट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ दॉट जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट था ऑफ लिटरे थ्योरी था वो किससे इन्फ्लुएंस था फॉर्मलिज्म से स्ट्रक्चलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्शलिज्म से या मार्क्सिज्म से वो okay, इसका जो आंसर था वो था आपका मार्क्सिज्म तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ वर्क था लिटरेरी थ्योरी था वो था आपका मार्क्सिज्म से रिलेटेड वट डज एडवर्ड आर्ग्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑरियंट जो एडवर्ड सेड थे उन्होंने ऑरियंट के बारे में क्या कहा था उनका एक टर्म था द दू ऑप्शन हैं इट हैज लिटिल रिलेशनशिप टू कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन कंट्रीज बाय द वेस्ट It illustrates the fundamental political equality of all nation and it was produced by the Western scholarship, and its literature is less proud that that of the West. So, your answer is C. It was produced by the Western scholarship. What is generally considered to be Theodore W. Uh, Adorno's primary concern as a theorist? Jo theorist hai, uska jo primarily concern. Hai, थियोडो डब्ल्यू एडोनो के अकॉर्डिंग ऑप्शन है द इफेक्ट ऑफ लिटरेचर इज इन लाइटिंग द ह्यूमन माइंड द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑन ह्यूमन सफरिंग द इफेक्ट ऑफ द इकोनमी ऑफ वुमेंस कंसर्न द इफेक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन दी कॉन्श शेल्फ तो आपका है बी आपका आंसर है द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑन ह्यूमन सफरिंग नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रोमा थियोरिस्ट जो ट्रोमा थियोरिस्ट जो फ्रॉडियन थियोरी है टेस्टिफाइंग सब्जेक्ट नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिलीवर डिलीवरफुल टेस्ट मनी जो टेस्ट मनी है उसके लिए क्या चीज चाहिए है सबसे ज्यादा जरूरी है अ फिगर ऑफ जजमेंट रिलीजियस बिलीफ या अ विटनेस और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो आपका जो आंसर है वो है आपका अ विटनेस नेक्स्ट है व्हाट इज डिफे मिल

से रिलेटेड ये सारे टर्म्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग देशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंज अट्रैक्टर्स इन के ऑर्स थ्योरी तो यहां पे आ जाते हैं अभी केआस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंज अट्रैक्शन आर मिस्टीरियस फोर्सेज दैट आर इंटायरली रैंडम ज अट्रैक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स फोर्स फिजिक्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स uh, होते हैं जो डिट किए जाते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स के द्वारा स्ट्रेंज अट्रैक्टर्स आर मिस्टीरियस फोर्सेज दैट आर बोथ रैंडम एंड डिटर्म स्ट्रेंज अट्रैक्टर्स आर कॉम्पलेक्स फोर्सेज दैट आर एंटायरली रेंडम सो आपका जो आंसर है वो है आपका सी आप लोग देख सकते हैं ज अट्रैक्टर्स आर मिस्टीरियस फोर्सेज आपको इसे आप इसे नोट भी ले सकते हैं अपने लिए थोरी है उसमें अट्रैक्टर्स के बारे में क्या कहा हुआ है जिसे आप एज अ नोट भी लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू न्यू ट्रेंड्स इन लिटरी थ्योरी टेंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग जो न्यू ट्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं रिजेक्ट ऑल प्रीवियस मोड्स ऑफ लिटरी थ्योरी Focus on a return to traditional critical methods or make use of different literary theories, theories in order to develop new theories. Yeah work only with ideas developed by post-Marxist theorists. So your right answer hai, wo hai C make use of different literary theories in order to develop new theories. What is affective fallacy? Kafi bar pucha gaya hai, effective fallacy? Na, a term that suggests that a critic should study the structural and thematic element of a poem rather than effect it has on the emotions of the reader and b option is a term that describes the confusion between a poem and its result and an important term in the field of new historicism effective fallacy is new historicism important term so your option is b what does हारमीनोअटिक थियोरी सजेस्ट अबाउट न्यू रीडर व्यू लिटरेचर जो हारमीनिक थ्योरी है वो रीडर के बारे में क्या बताती है इट इज़ इम्पॉसिबल टू व्यू अ पीस ऑफ लिटरेचर एज इट्स ऑथर इंटेंडेड ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है उनके अकॉर्डिंग कि जो लिटरेचर है उसे हम ऑथर जैसा ऑथर ने सोचा है वैसा देखना इट इज़ इम्पॉसिबल टू डाइवर्स अ टेक्सट फ्राम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग हट के हम क्या सोच सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू व्यू अ पीस ऑफ लिटरेचर करेक्टली बिकॉज वी कैन ओनली वर्क विद इन हेट्रोनोमेटिव पैराडाइम और डी इट इज इंपॉसिबल टू सेपरेट अ टेक्स्ट फ्रॉम द लिंग्विस्टिक दैट इट तो ये आपका आंसर है आंसर आपका है डी इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट अ टेक्स्ट फ्रॉम द लिंग्विस्टिक्स दैट कम्पोज इट कि जो एक जो टेक्स्ट होता है उस से हम जो हरम्यूनटिक थ्योरी कहती है कि जो टेक्स्ट है उसके इसके लिंग्विस्टिक से बिल्कुल हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है इन एस ए बिजनेस ऑफ थ्योरी विलियम डेरेविज आर्ग्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पे आपको ये भी आप याद रख सकते हैं लिख सकते हैं इसको कि द बिजनेस ऑफ थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था Uh, it, it offers a strong outline for now how theory can be conducted in 21st century. It should not be read or considered by any student or scholar. It offers some valid ideas and critics, but its author is not entirely trustworthy or it offers a strong counterpoint to Jex Derrida's notion of deconstruction. तो आपका इसमें जो आंसर है वो है आपका सी इट ऑफर्स वैलिड आइडियाज एंड क्रिटिक्स बट इट्स इज नॉट इंटायरली ट्रस्ट नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आप लोगों के लिए विद विच फेमिनिस्ट थियोरिस्ट इज गाइनो क्रिटिसिज्म मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड एलेंस वॉल्टर जूलियाना जूलिया क्रिस्टिवा लूसी एरिगेरे और फर्स्ट वन इज एलन सोल्टर सो गाइनो एला एलन सोल्टर इसको इस तरह से आप बार बार अगर पढ़ेंगे गाइनो एलन सोल्टर गायनो एलन सोल्टर गाइनो गायनो एल तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा ये टर्म कि ये किससे रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू दैनिवा स्कूल वट इज द फंक्शन ऑफ रीडर जो जेनेवा स्कूल है उसने फंक्शन ऑफ रीडर क्या बताया था एंट्रिंग ऑथर्स माइंड थ्रू हिज और लिटरेटर्स टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग दस कॉन्शियसनेस रिप्रोड्यूसिंग दॉट इन क्रिटिकल कॉन्टेक्ट ऑल ऑफ द अब तो आपका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द What did Sigmund Freud believe about the unconscious? Jo Sigmund Freud te, unconscious? Ke mein kya kaha tha? It contains secret instinct and desires that are repressed. It has little impact on human behavior. It is the only significant aspect of human psyche. It can never be assessed. So, your answer is A. Which text argue that the infants? human begin uh, Human being sorry we, human being begin to define their identities against the identity identities of others So the name is too big so you can read it the soul of black folk dash Roland baths kiss work nice kibarim What the death of the author Jack's Derridas of grammatology Jack's Lacan's the mirror stage. तो आपका जो राइट right आंसर है वो है आपका डी जैक्स द मिरर मिरर स्टेज नेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म तो न्यू हिस्टोरिसिज्म का जो आइडिया है उसे बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है टेक्स्ट आर एग्जामिन टू सी हाउ कॉलोनाइजर्स कॉलोनाइजर्स एंड

ऑब्जेक्ट uh, है वो है आपका कि जो टेक्स्ट है वो सोशल uh, रियलिटीज को किस तरह से बताता है हाउ डज लिटरी थ्योरी रिजेंबल्स द प्रैक्टिस ऑफ फिलासफी एज इट वॉज डिवेलप्ड बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने uh, जो फिलासफी दी थी डिवेलप की थी वो किस तरह से रिजेंबल करती है Literary theory engages with theoretical rather than real world issues. Literary theory asks fundamental questions about literary interpretations and at the same time builds a specific system of literary interpretation. So your right answer is B. Literary theory asks fundamental questions about literary interpretation and at the same time builds a specific system for literary interpretation. Means جو, uh, جو Plato or Aristotle kya kaha tha, ki jo literary theory. Hai, वो फंडामेंटल क्वेश्चन पूछती है किसके बारे में लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के बारे में और फिर एक सिस्टम बनाएगी जो खुद चीजों को इंटरप्रेट इंटरप्रेट करती है उनका मीनिंग डेवलप करेगी विच इज अ कॉमन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ द वेस्ट जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है वो कौन है वेस्ट का द वेस्ट स्प्रेड टू मच टाइम ट्राइंग टू कंसीडर एन एशियन पर्सपेक्टिव The West tends to look at Asian countries as individual units rather than lump them together. The West views matters through its own limited historical position, and the West refuses to apply economic and political coercion to Asian writers. So, your answer is The West views matters through its own limited historical positions. वर्ट डज एल एन शोल्टर आर्ग यू अबाउट जेंडर्स इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ऑफिलिया इन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट तो जो हमें ऑफिलिया जो हीरोइन है हेमलेट में उसके बारे में एल एन शोल्टर ने क्या कहा था इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट वुमेन एज एनीथिंग अदर देन मैड इन पेट्राकल डिस्कॉर्स फेमिनिस्ट क्रिटिक्स नीड टू रि एप्रोप्रिएट ऑफिलिया फॉर देअर ओन पर्पज

साइको एनालिटिक स्टडी है किसकी विलियम शेक्सपियर की वो uh, कौन सा ह्यूमन बिहेवियर वहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट मिलता है चेंजेस इज इमोशन स्टेट्स और अपसेशन स्लिप्स ऑफ द टंग और ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव अगर आप आग एक साइको एनालिटिक स्टडी कर रहे हैं किसी विलियम uh, शेक्सपियर की जो हैमलेट है उसकी तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है आप ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं विद विच थियोरिस्ट इज द टर्म इंप्लाइड रीडर एसोसिएटेड जो रीडर है वो किससे एसोसिएटेड uh, है और विलियम विमसेट ब्रुक और हैलोल्ड ब्लूम तो ये है आपका बी आंसर रीडर हा वुल्फ गैंग सो आंसर इज बी

रीडर फिल्स द गैप इम्पोज बाय एन ऑथर्स इंटेंशन कहने का मतलब यह है कि जब कोई टेक्स्ट होता है तो अगर जो ऑथर का इंटेंशन था अगर कहीं पर रह जाता है उसे तो रीडर खुद से उसे फॉर्म कर सकता है खुद से उस इंटेंशन को बनाकर चीजों को समझ सकता है वट इज द फिलोसॉफिकल थ्योरी नोन एज प्रेग्मेटिज्म जो प्रेग्मेटिज्म है वो क्या है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन डिवेलप्ड बाय विलियम जेम्स एन आइडिया यूज टू गाइड कंडक्टर्ड क्लियर ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट फ्रॉम द्रीक वर्ड प्रेगमा आपका जो आंसर है वो है डी ऑल ऑफ दू वट आइडिया डज दट्रोगिया रेफर जो हैोग करता है एन इनफेंट Infants' inability to speak prior to the mirror stage, uh, the referring mirror stage के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पर कि कोई खुद को I I को separate कर पाता है अदर से, the referential relationship among uh, symbols, signifiers and signs ये आपके deconstruction से रिलेटेड हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल पर deconstruction पर वीडियो देख सकते हैं। The multi-layered nature of language is a literary work, or the formulaic shifts between economic and political themes. So, apka C, your answer is the multi-layered nature of language in a literary work. Next is what is humanism? So, humanism is a Humanity-centered, centered, sorry, view of universe. A school of theory devoted to the Arrival of classical ancient Greek and romans literature, a theory that values restraint form and imitation, all of the above. So your answer hai all of the above. In Frederick Jameson's book, Joe Frederick Jameson ki the political unconscious. अनकॉन्शियस वजसन सजेस्ट अबाउट लिटरेचर जो जेमसन थे उन्होंने लिटरेचर के बारे में क्या कहा आई हिस्ट्री कम्पराइज द इसेंशियल फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लिटरी एनालिसिस उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो है वो कंप्राइज करती है इसेंशियल फ्रेमवर्क टू द परफॉर्मेंस ऑफ लिटरेरी एनालिसिस नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिक्स एंड इकॉनमीज आर the most important factors in literary analysis biography is essential to literary analysis or psychoanalysis is critical to literary analysis so our answer is first history comprises the essential framework for the performance of a literary analysis next है, है, the frankfurt school of literary theory was most greatly influenced by which of the following school of thought चीजें तो आपका जो राइट right आंसर था वो था आपका डी मार्क्सिज्म नेक्स्ट है आपका व्हाट एडवर्ड आर्ग्यू अबाउट ऑफ ऑफ वजवर्ट के बारे में जो एडवर्ड सैड थे उन्होंने क्या कहा था तो उन्होंने कहा था इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्टर्न स्कॉलरशिप नेक्स्ट वट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी थियोडो डब्ल्यू एडनोस कंसर्न एज एस्ट एज ए थियोरिस्ट उनका कंसर्न था वो क्या था तो आपका जो राइट right आंसर था वो था आपका द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑन ह्यूमन सफरिंग नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ट्रामा थियोरिस्ट थे, uh, जो ट्रामा थियोरिस्ट अ सक्सेसफुल मनी जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है तो आपका जो आंसर था वो है विटनेस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डिफेमिलराइजेशन जो डिफेमिलराइजेशन है वो क्या है तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो था ऑल ऑफ द अबव आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं ये रशियन फॉर्मलिज्म से रिलेटेड था आपका ये एक्सप्लोर्ड ये आइडिया जो था विक्टर ने ढूंढा था और ये कैपेसिटी अवार्ड काउंटर टू इफेक्ट ऑफ हैबिट नेक्स्ट इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेंज अट्रैक्टर्स इन के ऑस थारी जो के थरी है उसमें कौन सा बेस्ट उन्होंने जो स्टेटमेंट था वो था तो ये आपका स्टेटमेंट था के थरी के बारे में किया थियोरी में उन्होंने कहा था स्टेंज अट्रैक्टर्स आर मिस्टीरियस फोर्सेज दैट आर बहुत रैंडम एंड डिटर्मिन नेक्स्ट आपका है न्यू ट्रेंड्स इन लिटरे थ्योरी टेन टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग जो न्यू ट्रेंड्स हैं उन वो इनमें से क्या करते हैं तो आपका जो आंसर है वो है मेक यूज ऑफ डिफरेंट लिटरेरी थ्योरीज इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू थ्योरीज तो वो क्या कर रहे हैं डिफरेंट थ्योरीज़ को लेकर कुछ नई थ्योरीज बनाते हैं नाउ नेक्स्ट वन इज़ वट इज़ अफेक्टिव पॉलिसी जो अफेक्टिव पॉलिसी है वो क्या है तो अफेक्टिव फॉलेसी आपको जैसा हमें पता है कि जब कोई आ, राइटर किसी टेक्स्ट को पढ़ता है और उसका उसमें में मीनिंग में कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आ, उसे ही हम अफेक्टिव फॉलेसी कहते हैं या कुछ और समझ लेते हैं आ, तो आप इसे पूरा टोटल इसे पढ़ सकते हैं इसके लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो होपफुली आपको ये याद होगा वर्ड डज़ हरमिनीटिक थ्योरी सजेस्ट अबाउट हाउ रीडर्स व्यू लिटरेचर यहाँ पे जो हरमिनीटिक थ्योरी है उसमें Uh, जो इम्पोर्टेंट है वो क्या फैक्ट है तो आपका है डी इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट अ टेक्स्ट फ्रॉम लिंग्विस्टिक दैट कंपोजिट कहने का मतलब ये था कि जो हारमोनिक थ्योरी है जो टेक्स्ट होता है उसे हम लिंग्विस्टिक से अलग नहीं कर सकते जिस भी लैंग्वेज में वो लिखा होता है इन ऐसे द बिजनेस ऑफ थ्योरी जो डेरेस्विज थे उन्होंने आर्ग्यू किया था अबाउट टेरी एगल्टन बुक आफ्टर थ्योरी तो इसमें आपका जो आंसर है वो है सी इट ऑफर सम वैलिड आइडियाज़ एंड कडेट बट द इट्स ऑथर इज़ नॉट इन टायरली ट्रस्ट वर दी तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा राइट और ऐसे ही वन आ, वन आवा एम सी क्यू सीरीज़ के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रह सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो